श्रीमद् भगवत गीता श्लोक 19 स घोषो धार्थ राष्ट्रानाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमोलो व्यनु नादियन। पांडवों की सेना ने जो शंख बजाए उन शंखों की ध्वनि इतनी ज्यादा थी कि उनको सुनकर धार्थ राष्ट्रानाम का मतलब है धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कंपित हो गए और जैसे शस्त्र के आघात से शूल होता है, दर्द होता है जब किसी व्यक्ति को तलवार या कटार लगती है, उससे जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा औरों की सेना के लोगों में उतनी पीड़ा हुई। अब देखो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है ये श्लोक, संजय के जरिए धृतराष्ट्र तक पहुंच रही है ना ये कहानी। हमें कौन सुना रहा है? संजय सुना रहा है धृतराष्ट्र को, और लिख कौन रहे हैं? वेद व्यास। और होकर रही है ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर। धृतराष्ट्र को सुनाते हुए संजय यहां क्या कह रहे हैं? धार्थराष्ट्र नाम। अब एक व्यक्ति एक राजा को एक कथा सुना रहा है और उसके पुत्रों के बारे में उसी का नाम लेके धार्थराष्ट्र नाम, तो एक और वो उसका एक किस्म का मंत्री भी और सखा भी है। तो आप सोच के देखो कि उसको धार्थराष्ट्र नाम कह रहा है उसको, जबकि कहना चाहिए था कि कौरव शब्द यूज करना चाहिए था उसको यहाँ, लेकिन उसने राजा का शब्द, तो उसको पता है कि वो न्याय के विरुद्ध है इसलिए वो शब्द यूज कर पाया, क्योंकि उसके मन में पीड़ा है, उसके मन में एक बात कचोट रही है उसको कि मेरे को मजबूरी वश अधर्म के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। ठीक है। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्थराष्ट्र ना कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुर धम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहा महीपते सैन्यो रू भयो मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत यावत अत्ता निरीक्ष अहम योद्धु कामान अवस्थितान कर्मया सह योद्वयम अस्मिन रण समुद्य में। इस बात का अर्थ क्या है कि जब युद्ध की तैयारियां चल रही थी और जब दोनों सेनाओं ने अपने अपने शंख बजा दिए, इसका मतलब क्या है? जब रणभेरी बजती है दोनों तरफ से, सेनाएं तैयार हो जाती हैं युद्ध करने के लिए। होना क्या चाहिए था? जैसे ही शंख बजे दोनों तरफ से युद्ध के लिए सेनाएं एक दूसरे के ऊपर टूट पड़नी चाहिए थी, अस्त्रों के जरिए, शस्त्रों के जरिए, पैदल सैनिक के जरिए, घोड़ों के जरिए, हाथियों के जरिए, रथियों के जरिए, मतलब शंख बजते ही सारे सैनिकों को दौड़ जाना चाहिए था। यही होता है ना, दोनों तरफ से आवाज हुई, हमने देखा रामायण में भी देखा रावण की सेना और राम की सेना, जैसे ही युद्ध के लिए शंख नगाड़े बजे दोनों सेनाएं टूट पड़ी एक दूसरे पे। लेकिन यहां नहीं हुआ ऐसा। यहां क्या हुआ? जैसे ही शंख बजे वैसे ही कपिध्वज मैंने होता है अर्जुन की के रथ के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, वो झंडा के ऊपर कौन बैठा है? किसकी मूर्ति है? हनुमान की। कपिध्वज मैंने हनुमान की, तो यहां पे संबोधित किया है संजय ने कपिध्वज कह के अर्जुन को, भाई वो अर्जुन यानी जिस रथ के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है वो अर्जुन युद्ध करने के बजाय वो कहां गया? भगवान केशव को बोला, वो अपने सारथी जो कृष्ण है, माधव है, उनको क्या बोला कि हे माधव मुझे तुम इन दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके खड़ा कर दो, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाके खड़ा कर दो बराबर दूरी पे, ताकि मैं युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पक्ष वाले और मेरे विपक्ष वाले यानी अपने मित्रों और अपने शत्रुओं को बड़ी बारीकी से देख लूं, उनका अवलोकन कर लूं कि कौन कौन व्यक्ति मेरे पक्ष में युद्ध करने वाला है और कौन कौन व्यक्ति मेरे विरुद्ध युद्ध करने वाला है। देखो यहाँ पे दृष्टिकोण समझो, पहला दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है इन श्लोकों का? अर्जुन कह रहा है कृष्ण को कि मेरा रथ हे माधव, हे सखा, मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर लो। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है यहाँ अर्जुन का? अर्जुन एक अवलोकन कर लेना चाहता है, एक अच्छे योद्धा की पहचान ये है, एक अच्छे क्षत्रिय की पहचान ये है कि युद्ध भूमि में उतरने से पहले वो अपने पक्ष और विपक्ष को जान ले अच्छी तरह से। और हम भी सारे के क्या हैं? हम सब
के अंदर एक अर्जुन है, और हम सब लोग क्या है, हम सब लोग भी अपने अपने युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं। जब हम किसी विषय पर चिंतन करते हैं, गहराई से मंथन करते हैं, मनन करते हैं, तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक पक्ष इन श्लोकों का ये है कि आपको हर बारीक से बारीक चीज़ का अवलोकन करना चाहिए अच्छे से। कोई भी काम करने से पहले उसके पक्ष और विपक्ष, उसके प्रो और कॉन्स, वो सारे समझ लेने चाहिए। भाई ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये फ़ायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। जब हम सॉट एनालिसिस करते हैं, हमने सेल्फ इवेल्यूशन पढ़ा है, सेल्फ डिस्कवरी पढ़ी है, सेल्फ अवेयरनेस पढ़ी है, तो वहाँ हम क्या करते हैं सॉट एनालिसिस में, अपनी स्ट्रेंथ हमें पता होती है, अपनी वीकनेसेस हमें पता होती है। यहाँ युद्ध के अंदर कृष्ण को अर्जुन के द्वारा ये कहा जाना कि मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ भी देख लूँ, अपनी वीकनेस भी देख लूँ। क्योंकि एक अच्छा रथी वही है, रथी का मतलब जो रथ पे बैठा है, जिसने युद्ध करना है। कृष्ण तो सारथी है मात्र, लेकिन युद्ध करने वाला कौन है? अर्जुन। हमारे शरीर में आप समझो हमारा शरीर क्या है, ये रथ है। और हमारे शरीर के अंदर बुद्धि कौन है? कृष्ण है। और हमारे शरीर के अंदर अर्जुन कौन है, रथी कौन है? अर्जुन कौन है? अर्जुन है मन, जिसके अंदर चिंताएं हैं, जिसके अंदर उद्वेग हैं, जिसके अंदर इमोशंस हैं, जिसके अंदर डर है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर चिंता है। जितने सारे इमोशन किस में आते हैं? बुद्धि में नहीं आते, मन में आते हैं। बुद्धि के अंदर क्या आता है? विवेक आता है, विजडम आती है, ठीक है? तभी वो निरीक्षीर विवेक हेतु कर पाती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मन बुद्धि को कह रहा है कि मेरे को वहां लेके खड़ा कर दे, मेरे रथ को, मेरे शरीर को, ताकि मैं जिस जगह से मेरे को दोनों सेनाएं बराबर रूप से दिख सकें कि मेरे साथ कौन कौन है, मेरी ताकतें क्या है, मेरी कमजोरियां क्या क्या हैं, मैं अवलोकन कर लूं। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक पक्षी है कि वो अपने आप का अवलोकन करना चाहता है मन, कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और इसका दार्शनिक पक्ष क्या है? दार्शनिक पक्ष क्या है? दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना, साफ साफ देखना। तो दार्शनिक पक्ष ये है कि बहुत सारी हमारे अंदर कमजोरियाँ होती हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को से परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से गुस्सा हो जाते हैं, और उन चीज़ों को के साथ अवेयर होके उन चीज़ों का दर्शन करके, दर्शन किस रूप में? जिस रूप में वो हैं। और ये दर्शन कैसे होता है? ये दर्शन होता है जब हम अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते हैं, जब हम धर्म के पथ पर अग्रसर होते हैं, जब हम अपने आप को समझने के पथ पर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ अर्जुन के माध्यम से संजय ये कहना चाह रहा है कि हमें जीवन के हर पक्ष को समझने के लिए सबसे पहले दर्शन करना जरूरी है। दर्शन का मतलब अपने आप को पहचानना जरूरी है, खुद को जानना जरूरी है अध्यात्म के जरिए से, ठीक है? तो इस तरह से अलग अलग दृष्टिकोण से ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये अपनी इवेल्युएशन करने के लिए, स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए, खुद का मूल्यांकन करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं।